नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आज से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अवसर पर रांची स्थित जिला स्कूल परिसर से लेकर पुरानी जेल स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा तक विशाल तिरंगा पदयात्रा निकाली गई और जेल परिसर में सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन किया गया। तिरंगा पदयात्रा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची की महापौर आशा लकड़ा, सांसद संजय सेठ, आदित्य प्रसाद साहू और विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल और समरी लाल समेत बड़ी संख्या में रांची वासियों ने अपनी हिस्सेदारी निभाई। मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरा देश इसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। देश भर में खुशी और उत्साह का माहौल है। हर घर तिरंगा लहराया जा रहा है और अपने पूर्वजों को याद करते हुए सच्ची और पूरी श्रद्धा के साथ इस तिरंगे की आन बान शान बरकरार रखने के लिए संकल्प भी लिया जा रहा है। संकल्प और देश का हर नागरिक जश्न मना रहा है, अपने महापुरुषों को याद कर रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को स्मरण कर रहा है और उनके त्याग और तपस्या और बलिदानी को याद कर रहा है। और ये अमृत महोत्सव 75 वर्ष के साथ साथ आने वाला 25 वर्ष, 100 वर्ष में भारत कैसा होगा, ये संकल्प नई पीढ़ी ले रही है। आने वाला 25 वर्ष, 100 वर्ष देश की आज़ादी का, नौजवानों के नाम, महिलाओं के नाम, पुरुषों के नाम और कुल मिलाकर के देश के नाम, इसलिए आज इस प्रकार का राष्ट्रवाद का अलग जगाने का काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसको देश की जनता बधाई और अभिनंदन कर रही है।